हे गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल लाइट वील प्रोग्राम में। मेरा नाम है वीर और आज फिर से हम लोग लेस्ट वर्जन की सीरीज़ में। तो ठीक है गाइस, लास्ट टाइम हम लोगों ने कहा था, मैंने कहा था कि हम लोग क्या हो गया गाइस कि हम लोग यहाँ पर नॉर्थ कोस्ट टाउन में आए थे। हम लोग ने मतलब बहुत सारी चीज़ कही। तो गाइस आज हम लोग आज हम लोग ये नॉर्थ कोस्ट टाउन जिम लीडर आयन द एलिगेंट फिगर स्केटर। तो ठीक गाइस, मेरे पोकेमॉन्स भी मस्त है। देखो इन्फिनिट लेवल 41, इलेक्ट्राबस 45, सेलो हॉल 2। सो गाइस मैंने मेटैंक को निकल के स्नोरंट ले लिया फॉर 35। मैंने इसको एक्सपी शेयर भी दे दिया और फ्लोट जेल को 42 को किया, ग्रोवल को 34 को किया। मुझे ये सब काम करने में मतलब ऑलमोस्ट एक घंटा तो लगा। तो चलो गाइस, ओके मुझे आइस पजल्स लग रहा है। विच लकी साइट अरे यार मुझे नहीं पता, लेफ्ट जाता हूँ। मुझे लगा ही था ये तो हमारा फेवरेट है ना। अरे यार गाइस, मैं लिटरली बोल रहा हूँ ग्लेशियर ईवी के फॉर्म्स में ना गाइस मेरा सबसे फेवरेट है गाइस। सीरियसली मैंने ग्लेशियर को यूज़ किया है एक दो बार, मतलब दोस्तों के मोबाइल में खेलते हुए यूज़ तो किया था मैंने। ग्लेशियर मस्त था यार, मुझे पता नहीं मतलब ग्लेशियर का एकदम मस्त डिज़ाइन अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। ग्लेशियर इज अ कूल पोकेमॉन। ओ मैंने क्या कर दिया, गलती कर दी। ओए किधर जा रहा है? चलो चल जा। ओ आई एम हेडिंग द रेड वे। रेड गाइस, तो हम लोग कहाँ पर थे? तो गाइस मुझे ग्लेशियर का गाइस फॉर्म सबसे अच्छा लगता है गाइस, और मुझे लग रहा है कि वो उसे मैं थंबनेल डालूंगा क्योंकि मेरा फेवरेट पोकेमॉन। यार मुझे पता है गाइस, मैंने अभी भी स्नोरेंट का वो स्नोरेंट आइस बीम सीख गया। 34 लेवल पे आइस बीम सीखा स्नोरेंट, और मैंने प्रोटेक्ट निकाला है ये और स्नोरेंट आ गया। यार मुझे नहीं पसंद रहे तेरा ये। अभी के लिए मैं थोड़ा एम्बर अटैक यूज करूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो जाए। अरे क्या कर रही है मैंने? अच्छा एन आइस पाथ हैज ओपन्ड। तो ओ पूरा शायद मैं आज ओ ये लो। अरे यार क्या कर रहा हूँ मैं आइस पंच में इतना अच्छा तो हूँ नहीं। ओके व्हाट द हेल एम आई डूइंग राइट। शायद ऐसे ये बात बना उसका क्या। अरे यार मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। याद लिया बड़ा मुश्किल काम है, याद लिया आइस पाथ वाला ना गाइस। सच बता रहा हूँ गाइस ये काम ना गाइस। यार मैं कंफ्यूज हो गया हूँ यार क्या करूँ मैं क्या होगा मेरा। कंफ्यूज करा दिया गाइस इसने तो मुझे फुल ऑन। तो गाइस मैं फिगर आउट करके आता हूँ।
गाइस मैं फटाफट से देख के आता हूँ। अभी खेल में ऐसा कुछ देख रहा था इसकी मैप को, तो अभी मैं गाइस थोड़ा ट्राई करता हूँ। शायद मुझे समझ गया इसमें करना क्या है। ऑल राइट, हेलो चाचू कैसे हो आप, हमसे भी मिल लिया करो। तो 5 मिनट की वीडियो हो भी गई। चल 10 मिनट के अंदर वीडियो खत्म कर दूंगा मैं। आप कॉली स्वाइन को क्यों भेजा मुझे पता नहीं, लेकिन कॉली स्वाइन आइस टाइप है। हाँ आइस भी मतलब आता है हमें उसको, मतलब जिस भी पॉकी बॉल को आइस टाइप अटैक करते वो आइस टाइप पॉकी मॉल। हाँ इसीलिए आइस टाइप का नाम दिया है ना। अभी चाह रहा नहीं है क्या, वो गया ना। मैं सोचने लगा 12:30 बज रहे, मैं जा रहा हूँ गाइस अभी सोने के लिए। स्वाइन अब गाइस मुझे स्वाइन अब बहुत पसंद है। एक्चुअली बता रहा हूँ मैं इसे स्वाइन अब क्यों बुलाता हूँ, जो उसका नाम स्वाइन अब है। आई जस्ट लव कॉलिंग दिस पर्सन स्वाइन अब। व्हाट ओ हेलो कैसे हो भैया। गाइस स्किप करता हूँ मैं, अब मैं मुझे पता ही है पर्सी इधर क्या कर रहा है, लेकिन मेरे पास एक आइडिया, मुझे रिस्क नहीं लेना है गाइस, इसीलिए मैं पर्सी के खिलाफ सबसे पहले तो मैं चलो मैं स्नोरेंट को डालता हूँ गाइस, क्योंकि स्नोरेंट भी क्या खाता है। यू आर फैमिली सो गाइस मेरी मॉम आ गई थी तो हम लोग कहते यू वन फैमिली सो आई अवॉर्ड यू द आइसिकल बैच पर मुझे लगा मैं मिल गया। थैंक यू फॉर द बैटल पर्सी। हाँ वीर कहाँ से मीटिंग यू यार, जंगल में चलना है नेक्स्ट जी मुझ पर इजी मम्मी आई सॉ विद माय द कूलर शॉट इट वाज क्विकली आई गो फॉर इट ब्लैक एम पर्सी हाउ अबाउट अ बैटल। ओके बैटल तो बैटल पर्सी आई चैलेंज फॉर अ बैटल लेट्स डू इट। 3 पोकेमॉन गाड़ी वो छू मैं स्नोरेंट को यूज कर रहा हूँ यार, कुछ सर है कहाँ मेरे बच्चे पे, बच्चे की जान लेके देगा ये। अभी ये बैटल को मुझे 9 मिनट में ख़त्म करना है। पता नहीं लेकिन उसका बुक में बड़ा स्ट्रॉन्ग लग रहा है गाड़ी बोल। व्हाट विड्रू क्यों किया तूने। ओ ये लो गाइस हमारा स्टूडेंट हो गया, टेंशन नहीं हमारे पास ही फ्लोट जेल है, गो फ्लोट जेल। ड्यूजल के बाद बहुत कम बैटल्स की थी मैंने, आई गेस फ्लोट से ले लेगा मस्ट बी प्रिटी हैंडी यार। स्लोट जेल तो बहुत अच्छा निकला, स्लोट जेल ने आराम से कुलावा को ले लिया। पर्सी मैंने ट्रिक यूज़ करा तो फिर हम लोग भी पोकेमॉन चेंज करेंगे, हम भी ऐसे वैसे नहीं है, हम भी ग्रोवाइल को यूज़ करेंगे। अच्छे पोकेमॉन थे यार अभी इसके पास। सबसे पहले कहीं हम लोग ने सिंटाक्विल को हराया था जो इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग नहीं था यार। आपको द फर्स्ट एपिसोड ऑफ पोकेमॉन ग्लेस्ड अब मेरा हाथ मेरा लिटरली गाइस हाथ दुख रहा है। स्पार्क अटैक। अरे यार जाना, अरे ये बोल सकता नहीं गाइस, मैं आपको सच में बता रहा हूँ यही बचा था ना। चला क्या मैं टैंक होना चाहिए था मेरे पास टाइम पे, मुझे पता है कि इन्फर्नो ऐसे ख़त्म कर सकता है, लेकिन तो भी मुझे डर रहता है कि इन्फर्नो नहीं जाए, क्योंकि इन्फर्नो ये जिम की मेन खासियत है। अगर इन्फर्नो गया तो गेम ख़त्म गाइस, अगर इन्फर्नो गया तो गेम ख़त्म।
इसमें कट सीन होना चाहिए था, तो मुझे लगता है कि मुझे दो मिनट लगेगा। ओ जो बस चेक रन आउट, हाँ चल चल मुझे पता है तू बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। ओ थैंक यू, ओ ऐसे भी सर्व का इस बाव ऐसे मोथ भी सर्व करके मुझे मज़ा, मैं बटन तो दबाया ही नहीं उसने। चैलेंजेस बैक टू बैक स्टेन अहेड। एनीवे माय नेम इज आयरन द फेमस सागा स्केटर प्रोटोकॉल स्केटर, लेट्स गो। कट सीन्स निकालो, स्नो रन तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इजी होने वाला है क्योंकि मेरे पास खुद के पास एक स्नो रन है, तो मुझे पता है कि इसमें रन क्या कर सकते हैं इसीलिए। लेकिन फायर अटैक दे दिया तो मोस्टली नहीं ले पाया मैं, लेकिन चलेगा। हेल हेल मैं डेफिनेटली प्लेंट हो चुका हूँ, और ये मैं स्नोरन को हरा दिया, इसके स्नोरन जा चुका है हमारा हमारा तो ऑलरेडी हार चुका है। फ्रॉस्टलेस शायद फ्रॉस्टलेस स्नोरन से इवॉल्व होते, लेकिन मोस्टली ग्लेलीज इवॉल्व होते हैं स्नोरन, आई मीन स्नोरन जो है वो ग्लेली में इवॉल्व होता है। या तो फिर ऐसा होता है कि शिनोर रीजन में मतलब स्नोरन फ्रॉस्टलैश में इवॉल्व हो, और हॉयन रीजन में स्नोरन ग्लेली में इवॉल्व हो। ये बड़ी अजीब बात है यार, यार मतलब क्या बताऊँ गाइस, मुझे लिटरली जल्दी ख़त्म करना है क्योंकि मुझे बोर हो रहा है इसमें, मतलब बोर एक्चुअली लिटरली आई एम जस्ट गेटिंग सो मच डैम बोर। एक्चुअली मुझे बोर नहीं हो रहा, मुझे नींद आ रही है, मेरे हर एपिसोड में क्यों रहता है मुझे नींद आ रही है, ठंड लग रही है। एक्चुअली मैं एसी में बैठा हुआ था, लेकिन यार इनकी प्रॉब्लम क्या है, तुम लोग कुछ तो करो यार जल्दी, लेफ्ट ओवर्स तो खाने में भी होता है ना। ओके अरे यार फ्रॉस्टलेस गोस्ट टाइप भी है, मैं भूल गया, उंगली मत दिखा पागल, मेरे को उंगली दिखा रहे गाइस, ये फ्रॉस्टलेस मेरे इन्फर्नेट को उंगली दिखाती है, तो आप ही बताइए मुझे करना क्या चाहिए अभी, तो मुझे गुस्सा आ रहा है, मैंने इन्फर्नेट का एम्बर अटैक दिया तुमने तो कहा अभी, शायद बड़ी वीडियो बन गई है, मैंने सोचा नहीं था कि बड़ी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन ओ ग्लेशियर वाह, मुझे ग्लेशियर को हराने का मन नहीं कर रहा, लेकिन सुना आप लोगों ने मस्त आवाज थी ना ग्लेशियर ने, बस एक और मूव और ग्लेशियर शैडो बॉल होता है। अरे यार गाइस मुझे पता नहीं ऐसी एक ही आवाज क्यों बचती रहती है हमेशा, शायद एक फ्लेम ये वाला फ्लेम व्हील काफी होगा ग्लेशियन को लेने के लिए। ओके ऑल राइट ग्लेशियन तो चली गई, वाह जाते हुए भी इतनी अच्छी आवाज, ग्लेशियन क्या बताओ तुझे, मैं तेरा फैन बन गया, एक्चुअली हूँ मैं ग्लेशियन फैन ऑलरेडी। चलो ठीक है, अब शायद ये वीडियो 15 मिनट की होने वाली है, पता नहीं है मुझे 15 मिनट की वीडियोस बनाना नहीं पसंद, मुझे पता नहीं क्यों। ओ नो मैं क्यों कर रहा हूँ, सही से मुझे नहीं पता, मैं चाहता हूँ कि मैं इसको फायर के वोर्टेक्स में ट्रैप कर लूँ, और फिर लकीली अगर हम लोग का अटैक लग जाए फायर व्हील का तो फिर मैं कुछ कर पाऊंगा। गाइज मुझे पता नहीं गाइज कि मैं कौन सा वर्जन नेक्स्ट खेलूं। ऑल राइट इसके साथ गाइज हम लोग खाली बजा रहा हूँ, हम क्लैपिंग गाइज इसी के साथ गाइज हम लोगों ने लीडर आइरीन को भी हरा दिया, और वी गॉट 1400 पॉकेट डॉलर्स फॉर विनिंग आफ्टर द आईसीएल मैच।
ICQ battle allows you to move the user moves off outside battle dimension. It also boosts the defense of your party a little bit. Take this as a die. TM13 mostly ICB1 RC या तो फिर ICB होगा या मुझे लगा ही था ICB में फिर से तो use it for the different type moves until limit against cap. Okay, bye bye. ये तो बातों में मुझे लगा ही था उसका कुछ तो कुछ होगा. अरे 16 मिनट की वीडियो हो गई. तो ठीक गाइस, नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं वो गाइस. इस बार हम लोग जीत गए. तो ठीक गाइस, तब तक के लिए गाइस टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ. मजा आ गया थोड़ा भी एंड बाय बाय.